हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और झाड़ू पोछा से मेरा काम फ्री हो गया है। तो आज मैंने सोचा चलो बच्चों की अलमारी सेट कर देते हैं। काफ़ी दिन से ये बेकार हो गई थी, बच्चों के कपड़े इधर उधर हो गए थे, मिल भी नहीं रहे थे। तो बस मैंने सोचा चलो इनको आज सेट कर देते हैं। तो देखिए बच्चे भी, आज संडे है तो सारे घर पर ही हैं, तो आज तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिली। और मैंने तब, ये बाहर थे बच्चे तब, तो मैंने अलमारी में वो मतलब सारा सामान निकाला था, कपड़े बाहर के, बच्चे नहीं हैं, फ्री एकदम से आ गए बाहर से खेलने के बाद। तो बस मैं वही इसको सेट कर देती हूँ कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे काफ़ी, उनको मैं अलग निकाल दूँगी। और जो काम के यूज़ के कपड़े हैं बस मैं उन्हीं को रखूँगी, जिनको डेली पहनाती हूँ मैं। और यहाँ देखिए, ये आते ही इनकी शैतानियाँ हो गई हैं शुरू। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरी अलमारी हो गई एकदम अच्छे से सेट और कितनी अच्छी लग रही है। और ये नीचे वाले ड्रॉर में सबसे नीचे जो गर्मियों के कपड़े हैं जिनसे मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, वो ऐसे कैसे रखे हैं। ये ऊपर थोड़े बहुत, अब ठंड काफ़ी कम है तो कमी कपड़े रखे हैं, एक्स्ट्रा कपड़े जो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम है। और यहाँ देखिए समर जो शैतानी कर रहा है, बच्चों को नहलाऊंगी, बस ये कर रही हैं ब्रश दोनों, गली में खड़े होकर देख रही हैं। तो दीदी इनसे चिल्ला रही थी, तो बस मिलूंगी आपसे बच्चों को नहलाने के बाद। और अभी इनको नहलाना है मेरे को। फ्रेंड्स, दोपहर का हो रहा अभी टाइम और मैं बना के लाई समर्थ के लिए सूजी का हलवा, जो कि मैं दूध में बनाती हूँ। तो समर्थ बैठा है यहाँ पे हलवा खाने के लिए रेडी। खाएगा? हेलो कर। हेलो, मैं हलवा खाने वाला हूँ। मैं अपने आप खाता हूँ, बड़ा हो गया हूँ। आप भी खा लो मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, बस मैं अभी इसको खिला ही रही हूँ, दोपहर का हो रहा टाइम। अभी नहा धो के होगी एकदम फ्री। और बच्चे जो है आज संडे है तो घर पर ही हैं, तो वो चली गई हैं बाहर खेलने के लिए, सिस्टी और यूमी अपनी बुआ जी के साथ गई हैं। और बस अभी इसको खिला के सुलाऊंगी, तब करूँगी कुछ और भी काम थोड़े मेरे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको खिलाते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4 और यू का सो के उठी अभी। और ये लेके घूम रही अपनी दुद्दू, क्या पी रही है तू, क्या पी रही है बोल। बस फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं खड़ी हुई हूँ इस तरह से और भी करेंगे काम और चाय वाय बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चाय बनाते हैं और फिर करते हैं आज शाम के काम स्टार्ट। अभी छत पे पड़े हैं कपड़े, वो भी लेके आऊँगी अभी। और हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं तो उनका काफ़ी डर है, तो मैं अभी जाऊँगी छत से कपड़े लेने, पर पहले बनाऊँगी चाय। मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। अरे देखिए, हमारी शाम की चाय बन रही है अभी। और बस चाय वाय पी के फिर करेंगे आगे के काम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बनाते हैं चाय। फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए चाय। चाय हमारी बन के हो गई है रेडी। और अभी पीऊंगी मैं चाय पहले, फिर करेंगे काम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। सो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद लगी थी घर के कामों में, तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की तह लगाई थी, तो उन्हीं को रख रही थी बस मैं सबके कपड़ों को। तो बस वही डेली के काम है, ये तो डेली रूटीन, तो बस वही करने पड़े और झाड़ू वगैरह करके। और बस इसके बाद जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए। खाने बनाने का भी टाइम हो गया था कि मैं 6 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि गाँव में इसी टाइम होने लगता है। तो बस वही पहले रख देती हूँ इन कपड़ों को, फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आ गई
आइए चलिए आज बनाते हैं चूल्हे पे खाना। मैं जा रही हूँ खाना बनाने चूल्हे पे, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और इसी टाइम हमारे यहाँ खाने की तैयारी हो जाती है। तो चलिए आज दिखाऊंगी आपको कि हम किस तरीके से चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, और हमारे यहाँ चूल्हे पर ही बनता है खाना, तो सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स यहाँ चल रही है मेरी खाना बनाने की तैयारी, और खाना हमारे यहाँ छत पर ही बनता है चूल्हे पे, तो बस वही मैं आटा लगा रही थी यहाँ पे। तो आप आपको दिखाऊंगी आपके मैं कैसे बनाती हूँ चूल्हे पर रोटी। सब्जी वगैरह तो बना ली थी गैस पे, और ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में शाम के टाइम। तो फ्रेंड्स आटा मेरा लग चुका है, और यहाँ पे जला रही हूँ मैं आग, तो आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बस आग जला रही हूँ मैं यहाँ पे, और वही बनाते हैं आज खाना। चूल्हे की रोटियाँ इतनी टेस्टी लगती हैं खाने में बहुत ज़्यादा। और अब मिट्टी का तेल तो है नहीं, तो पॉलीथीन से ही आग जलानी पड़ती है। मिट्टी का तेल काफ़ी सालों से बंद हो गया है, तो पॉलीथीन भी इकट्ठा करके रखनी पड़ती है आग जलाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने कर दिया यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट, तो देखिए तवा मेरा हो चुका बिल्कुल गरम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट रोटी बनाना। और ये जो वीडियो शूट कर रही थी मेरी दीदी कर रही थी यहाँ पे, तो बस मैं उन्हीं से बात कर रही थी। तो बस आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए रोटी, चूल्हे की रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो फ्रेंड्स रोटी मैं बनाने लगी हूँ, और यहाँ पे ऐसे ही मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी। और बच्चे भी नहीं थे, और बच्चे सारे बाहर थे खेलने के लिए गए थे, तो मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि समर्थ आ जाता है तो फिर करने भी नहीं देता, आते ही जिद करने लगता है कि मुझे गोदी में लो गोदी में, तो फिर बस उसी की वजह से थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब बताना ज़रूर आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और समर्थ यहाँ फ़ोन की जिद कर रहा है मेरे को कार्टून देखनी है, कार्टून मेरे को वॉइस ओवर करने में बहुत जिद कर रहा है कि बस कार्टून दे दो मेरे को। अच्छे से बैठ, क्या दिया है दिखा होमवर्क में? अभी होमवर्क ही नहीं निकाला। निकाल तो सही उसको। अरे अच्छे से ऐसे करके बेटा, ऐसे फट जाएंगे वो। नहीं फटेंगे। क्या दिया? ये वाला नहीं, यहाँ आ गया और आगे कर।
सो फ्रेंड्स, खाना पीना बनाने के बाद खा पी के तो बस मैं सृष्टि का करा रही थी यहाँ पे होमवर्क, क्योंकि वो कर तो खुद ही लेती है लेकिन उसके पास बैठना पड़ता है, कोई इंच मैं करवाऊँ या उसकी बुआ जी, कर तो खुद ही लेगी लेकिन अपने पास बैठाएगी जरूर, उसकी बातें भी साथ के साथ चलती रहे। फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है रात और रात के बज रहे हैं 8, और मैंने सोचा वीडियो का एंड नहीं किया तो वह एंड कर देते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहिए। और समर्थ रो रहा है सोने के लिए तो अब उसको मैं सुलाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।